खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से। पट्टी कोतवाली इलाके के गांव की रहने वाली एक महिला अपने पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगा रही। पट्टी कोतवाली आई महिला ने पुलिस को नामजद तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि उसकी बेटी जो एक बच्चे की माँ भी है उसको पड़ोसी बहला फुसला कर चार पहिया वाहन में बैठा कर ले गए, जिसके बाद उसकी बेटी का कोई पता नहीं लग पाया है। पीड़ित महिला ने अनहोनी की आशंका जताई। हमारे साथ ये चार लड़कियाँ ब्याह होती है, उनके हाँ। छोटे बच्चा है हाँ। हमारे बगल के जितने हैं बहुत तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे महिला की। ओकरे बाद का भी आता है हमका धमकी वमकी दिन के ऊपर लफड़ा कैल है, लेकिन ये कहा है कि हम इसे करवाई दे माँ लड़की कहा ना हमारे उलझाते हैं। हमारे लड़की घर छूट गई, हमारे लड़की घर छूट गई, लेकिन तब भी चार साल से हमारे लड़की रही है, उसे कोनो मचमच हो ही नहीं आई पास। लेकिन उनका भाई आज सवेरे हमारे देवरे का फोन किए हैं 5 बजे, कहन कि देखा तो लड़की घर में बात, जब हम देखा तो हमारे लड़की नहीं ना, कहन का बतिया है, कहन चुप मार बैठे रहा तो लड़की 5 बजे ले आ जाए है और हल्ला जिन करा। अब तक हम कहे कि हम चलते कोतवाली में कि उस भाई अपन जो कई पब करब तो हमका मना करें, कहें चाची अभी कुछ दिन करा, जब हम कहते हेल लेते तब तू करो, अब तक हमका मना करता हूँ। लड़की गायब है, हमारा लड़की गायब है। पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी युवक के भाई उसके देवर के फोन पर फोन करके कहा कि उसकी भतीजी को सुबह वापस भेज दे, लेकिन जब सुबह 10 बजे तक गायब विवाहिता का कहीं कुछ पता नहीं चला तो पीड़िता पट्टी कोतवाली पहुंची और आरोपी युवक के खिलाफ नामजद तहरीर देकर बेटी को बरामद किए जाने की मांग की।